अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बीते दिन खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के बाद करोड़ों भारतीयों के दिल टूट गए, क्रिकेट फैंस मायूस हो गए। इस बीच पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में फंसी टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने इस हार के लिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। टीएमसी सांसद ने टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के घर पर ईडी का छापा। वहीं एक और तंज कसते हुए उन्होंने उसी पोस्ट में लिखा कि एक अन्य खबर में अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, भारत जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप फाइनल हारा। महुआ मोइत्रा के अलावा भी कई यूजर्स ने वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद तमाम राजनीतिक पोस्ट करते हुए तंज कसे हैं। वहीं बसपा सांसद दानिश अली ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेडियम में अपने आगमन की घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें ऐसे बड़े आयोजनों से दूर रहना चाहिए था। एक्स पर एक पोस्ट में दानिश अली ने कहा, हम भी जीत के करीब थे लेकिन हमारे खिलाड़ी अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण चूक गए। पीएम मोदी को भी स्टेडियम में अपने आगमन की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी, ये देश के लिए बेहतर है। ऐसे मौकों से दूर रहें और टीवी पर खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों का प्रदर्शन देखें। दरअसल बीजेपी सरकार पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वह विपक्षी दलों को निशाने पर लेने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। पिछले कुछ वर्षों से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच और छापे की कार्रवाई की है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई करवाती है।